नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ इलेक्ट्रिक सिटी नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश या NCR में आता है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सेक्टर 33 एंड बॉटेक्निकल गार्डन का बस स्टॉप या स्टैंड। यहाँ से उत्तर प्रदेश वगैरह के लिए, बाहर के लिए बहुत बस मिल जाएगी, दिल्ली के लिए मिल जाएगी, और नोएडा में लोकल जाना हो आपको यहाँ से मिले, आनंद विहार कौशाम्बी वगैरह के लिए भी बस यहाँ ऑटो अवेलेबल है, बदरपुर बॉर्डर तक के लिए भी, और दिल्ली में जा सकते हैं। तो डिटेल्स बस के बारे में नॉलेज देंगे और उत्तर प्रदेश परिवहन के बारे में नॉलेज देंगे आपको, और कहाँ से कहाँ कहाँ के लिए बस मिल जाएगी ये सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे पूरा बने रहेगा और काटपीट के वीडियो को मत देखिएगा क्योंकि आपको समझ नहीं आती है, फिर बाद में बोलते हो भाई साहब समझ नहीं आती। और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुझ पर नजर रखना मेरी जान, माँ कसम नजारा बदल देंगे। तो ये है राजस्थान रोडवेज, मैं सेक्टर 37 पे ही हूँ, और आपको देखो यहाँ पे धौलपुर के लिए बस मिल जाएगी, धौलपुर आगरा नोएडा दिल्ली वाया परीचौक मेट्रो 37 एक्सप्रेस वे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है राजस्थान रोडवेज ही है। देखो ये प्राइवेट बस है परीचौक बॉटेक्निकल गार्डन से दिल्ली नोएडा आगरा कुबेरपुर मथुरा परीचौक सेक्टर 37 से निकली हुई बस है। साधारण किराया होगा इसमें। दोस्तों थोड़ा होलिये पे मत जाइए क्योंकि मैं बस में आया था तो हवा चली तो बाल इधर उधर बिखर गए हैं। तो वीडियो पर फोकस करें, और उत्तर प्रदेश परिवहन ही शिकोकाबाद के लिए जाएगी, और पीछे जो अलीगढ़ खेर अली के लिए जाएगी, खेर अलीगढ़ के लिए पीछे यूपी रोडवेज खड़ी है, और यहाँ पर आपको ऑटो वगैरह की सर्विस मिल जाएगी, और बहुत सारी भीड़ है यहाँ पर आज देख सकते हो, संडे के दिन है आज। आगे तक मैं आपको दिखा दूंगा ये वहाँ तक, ये सेक्टर 37 का ही बस स्टैंड है दोस्तों। देखो गाइस यहाँ से आपको बदरपुर बॉर्डर दिल्ली के लिए बस मिल जाएगी, ये 8 नंबर बस जाती है यहाँ से सेक्टर 37 से बदरपुर बॉर्डर, मतलब ये उधर हम ये रोड क्रॉस करेंगे फ्लाईओवर से, तो हमको बॉटेक्निकल गार्डन का बस स्टॉप उधर मिलेगा। अभी हम रोड क्रॉस करके वो भी दिखा देंगे आपको, अभी हम आपको सेक्टर 37 का बस अड्डा दिखा रहे हैं दोस्तों, जो कि ये अलीगढ़ के लिए बस रवाना हो चुकी है दोस्तों, देख सकते हो आप। देखो ये धौलपुर के लिए रवाना हो चुकी है, धौलपुर डीसी, और ये शिकोकाबाद फिरोजाबाद कुबेरपुर टुंडला मथुरा कैंट के लिए रवाना हो चुकी है, ये यूपी रोडवेज है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आप पूरा बस स्टैंड देख रहे हो वहाँ से, और ये पूरा वहाँ तक देख सकते हो भीड़ वहाँ तक। तो ये नोएडा सेक्टर 37 का ही बस स्टैंड है, और हम इसके फ्लाईओवर पार करेंगे तो बॉटेक्निकल गार्डन का बस स्टॉप आ जाएगा, आप देख सकते हो। अभी हम उधर से आपको दिखा देंगे, अभी हम आपको सेक्टर 37 का जो यहाँ से उत्तर प्रदेश के लिए अलीगढ़ मथुरा आगरा के लिए भी बस मिल जाएगी आपको, देख सकते हैं नोएडा डिपो बस आ गई यहाँ पे। और दोस्तों जो गाड़ी मेहरौली से आती है DTC बस, देखो 34 नंबर बस है ये आपको बदरपुर बॉर्डर वाया होके जाएगी, दिल्ली ले जाएगी, और देख सकते हो अलीगढ़ से खेरी जटारी के लिए बस जाएगी दोस्तों। और दोस्तों अगर आप दिल्ली में या नोएडा में या फरीदाबाद गुड़गांव वगैरह में आओ, तो यहाँ पर क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, भीड़ भाड़, और यहाँ पर जेब कतरे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो दोस्तों अपने पर्स फोन घड़ी और अपने बैग वगैरह की रक्षा स्वयं करें और अपने संभाल के रखें दोस्तों। यहाँ पर बस में चढ़ते उतरते टाइम जेब कतरे होते हैं, जेब वगैरह काट लेते हैं, तो आप आए हो तो जरूर आपकी रक्षा करें स्वयं करें, आपको पता होगा। और अलीगढ़ खेर जटारी के लिए जेवर आप देख सकते हो आप, और बहुत सारी भीड़ है यहाँ पर आपको ऑटो की सर्विस वगैरह भी मिल जाएगी। ये सेक्टर 37 का बस ट्रेन दिखा रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को प्यार दे और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें दोस्तों, अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ऐसी जानकारी मैं लाता रहता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है DTC बस का स्टॉप के लिए, ये बस नंबर बस आएगी जैसे कि 8 443 34 34 A 433 और 34 नंबर बस यहाँ पर खड़ी हुई है, ये यहाँ से मेहरौली के लिए जाएगी, मेहरौली टर्मिनल DTC बस है दोस्तों, दिल्ली के लिए जाएगी ये बस आप देख सकते हो। दोस्तों एक चीज़ और, बदरपुर मीठापुर चौक के लिए फरीदाबाद तक के लिए आपको ऑटो वगैरह की सर्विस मिल जाएगी यहाँ से जाती है, आप देखते रहिए और मैं आगे भी आपको दिखा दूंगा। देखो उत्तर प्रदेश के लिए तो बहुत ज़्यादा बस अवेलेबल है यहाँ से, आप कहीं पर भी जा सकते हो। देखो कुबेरपुर के लिए ये बस रवाना हो चुकी है, उत्तर प्रदेश परिवहन बस है, और आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा दिखाता हूँ। देखो नोएडा डिपो है, आगरा SBT कुबेरपुर यमुना एक्सप्रेस रायकोट, आगरा SBT की भी मैंने वीडियो बना रखी है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और देख सकते हो। ये बॉटेक्निकल गार्डन के लिए पैसे दिए आवाज़ लगाते हुए मिल जाएंगे आपको, आप देख सकते हो DTC बस आ चुके हैं यहाँ से,
8 नंबर बस है ये बदरपुर के लिए रवाना हो चुकी है। ये देख सकते हो आप सेक्टर 37 का ही बस स्टैंड दिखा रहा हूँ मैं आपको। और देखो यहाँ पे निःशुल्क शौचालय भी उपलब्ध है और यहाँ पर आपको पानी वगैरह की दुकान अवेलेबल मिल जाएगी, ऑटो की सर्विस मिल जाएगी अगर नोएडा में जाना हो तो आपको। दोस्तों देखो यहाँ से आपको ग्रेटर नोएडा के लिए भी बस मिल जाएगी आप देख सकते हो। और ये सारी बहुत सारी बस लगी हुई है पीछे तक, आपको कलस्टर DCC बस भी मिल जाएगी यहाँ से आपको। तो ये बस आप देख रहे हो पूरी ये परीचौक के लिए जाएगी और यहाँ से 30 रुपये किराया है परीचौक का। देखो यमुना सारथी बस सेवा है, देखो 30 रुपये किराया रहती है ओनली परीचौक के लिए। यहाँ से ये बस मिल जाएगी आपको अवेलेबल, ये सारी बस है। और वहाँ से आपको आगे थोड़ा यहाँ से जाओगे चौकी से आगे तो लॉन्ग रूट के लिए बस मिल जाएगी, जैसे अलीगढ़ मथुरा आगरा कुबेरपुर वगैरह के लिए बस मिल जाएगी। अभी हम ये रोड पार करेंगे और आपको दिखाएंगे बोटेनिकल गार्डन का बस स्टैंड, तो अभी यहीं से चलते हैं और रोड पार करते हैं, दिखाते हैं आपको। पहले रोड पार करते फिर मिलते हैं। देखो अभी हम वहाँ थे उस साइड में, हमने रोड पार कर दिया यहाँ से, तो अभी चलेंगे इधर। आप वो देख रहे हो देखो ये ऑरेंज कलर का बस स्टॉप नंबर 3A बोटेनिकल गार्डन। तो अभी आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। देखो ये नोएडा की ये बस आ गई यूपी से, तो अभी हम रोड पार करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। देखो आपको यहाँ से भी आपको ऑटो की सर्विस मिल जाएगी, आप देख सकते हो बहुत सारे ऑटो वगैरह खड़ा है लोकल में। नोएडा वगैरह जाना हो कोई सेक्टर यानी ग्रेटर नोएडा परीचौक के लिए जाना हो तो आपको यहाँ से बस मिल जाएगी। और देख सकते हो ये बस आई हुई है नोएडा सेक्टर 37 परीचौक वाया सिकंदराऊ से बुलंदशहर से आई हुई बस है, देख सकते हो आप ये बस UPRTC है। और अभी हम चलते हैं, चलते क्या आगे आ ही गए हैं बोटेनिकल गार्डन बस स्टॉप पे, तो काफी सारी दुकानें वगैरह लगी हुई है और ऑटो वगैरह लगे हुए हैं, तो एंट्री करते हैं। दोस्तों अगर हमारे YouTube चैनल राज कारवान की वीडियो आपको बहुत अच्छे लगते हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। और फेमस पैलेस शो पे भी या हिस्ट्री के लिए भी वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट करके बताइए आपको कहाँ जाना है। और तो आपके आसपास कोई बस अड्डा है तो उसका भी वीडियो हम बना देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और लाइक कर दीजिए वीडियो को, तो अभी वीडियो बहुत बाकी है तो बने रहे मेरे साथ, और भी आपको दिखा दे रहेंगे और दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश या बुलंदशहर वगैरह से बस आती तो इधर से ही आती है। और ये देख सकते हो नोएडा बोटेनिकल गार्डन बस स्टेशन, वैसे इसे बोटेनिकल गार्डन कहते हैं, बोटेनिक गार्डन है ये, देखो ऊपर लिखा हुआ है बोटेनिक गार्डन बस स्टेशन। तो अभी एंट्री चलते हैं और बस स्टॉप दिखाते हैं। और यहाँ से आपको देखो आपको दिल्ली में जाने के लिए नोएडा 34 नंबर बस मिल जाएगी, 8 नंबर बस मिल जाएगी। और आपको ना क्या नाम, यहाँ से मेट्रो स्टेशन बोटेनिकल गार्डन थोड़ा सा पास में ही है, देखो वो दिख रहा है ना पास में, उधर से जाना पड़ेगा आपको, तो अभी दिखा देंगे। तो चलते हैं, देखो ये 8 नंबर नोएडा सेक्टर 37 से बदरपुर चलती है और वो देखो पिंक लाइन जाती है वहां से कालका जी से, आपको बदरपुर से वॉलेट लाइन चेंज करनी पड़ेगी फिर आपको मेट्रो मिल जाएगी बदरपुर तक के लिए। तो चलते हैं अभी अंदर और अंदर से आपको दिखाते हैं कुछ इस तरह है। देखो अभी अंदर चलेंगे और अंदर दिखाएंगे आपको, ठीक है। और ये जरा बोटेनिकल गार्डन के लिए यहाँ से लेफ्ट ले लो, सिटी सेंटर के लिए सीधा, गाजियाबाद के लिए भी सीधा जाना पड़ेगा और सेक्टर 18 के लिए या 18 सेक्टर के लिए भी लेफ्ट लेना पड़ेगा यहाँ से। तो देखो यहाँ लिख रखा है दिस इज बस एंड रोड बस स्टैंड अंदर है। तो अभी अंदर हम चल रहे हैं तो कुछ दुकान लगी हुई है, देखो ब्रेकफास्ट के लिए, और थोड़ा देख सकते हो आपको ब्लू लाइन आ चुकी है यहाँ से, मेट्रो देखो आपको बोटेनिकल गार्डन के लिए यहाँ से आपको देखो शौचालय की सुविधा मिल जाएगी, ठीक है। और ये बस आ चुकी है और ऑटो की सर्विस मिल जाएगी। देखो बस स्टॉप नंबर 1B बोटेनिकल गार्डन नोएडा, तो ये यहाँ रुकेगी 1B बस नंबर। और हम आगे चल रहे हैं, आगे दिखाएंगे, देख सकते हो आपको मैंने बोला था ना लेफ्ट, तो सेक्टर 18 के लिए लेफ्ट लेना पड़ेगा आपको यहाँ से। देखो साफ सफाई भी ठीक है, थोड़ा बढ़िया ही है, वैसे भी ये इलेक्ट्रिक सिटी नोएडा में हूँ मैं आज।
देखो यही बॉटनिकल गार्डन के अंदर बस स्टॉप नंबर 1A देख सकते हो आप, ये यहाँ रुकेगी और यहाँ पे आपको देख सकते हो प्राइवेट बस भी मिल जाएगी। और देखो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ के लिए यहाँ बोर्ड लगा रखा है। देखो पुराना बस अड्डा, लाल कुआ एंड विजयनगर के लिए बस मिल जाएगी। देखो बॉटनिकल गार्डन से अट्टा मार्केट अगर बस स्टॉप पे हो आप तो आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा। अगर अट्टा मार्केट अगर आप चाहो तो मैं अट्टा मार्केट की वीडियो बना दूंगा, मेरे को कमेंट में बोलिए और इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। और देखो ये बस खड़ी है, देखो बस नंबर 33 भजनपुरा आनंद विहार बस अड्डा रेलवे स्टेशन सीमापुरी आपको दिख रहा होगा। और ये पूरा बस अड्डा बॉटनिकल गार्डन का है दोस्तों, देख सकते हो। दोस्तों डस्टबिन लगा रखे हैं, डस्टबिन का प्रयोग करें, कूड़ा नीचे ना फेंके। देखो क्या लिख रहा है, प्रदूषण हटाओ, पर्यावरण बचाओ, साइकिल चलाओ। तो दोस्तों ये चीज जरूर करनी चाहिए। और अभी हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं एक और बस स्टॉप बचा है। दोस्तों ये बिल्डिंगें दिख रही है ना, उसके नीचे से आए हुए ये फ्लाईओवर पार करके नहीं, उधर से उत्तर प्रदेश में अदर जाने के लिए बस मिल जाएगी आपको, ऑलरेडी मैंने बताया है। देखो बस नंबर 2A यहाँ रुकेगी, देख सकते हो आप। वो बस स्टॉप दिख रहा है, वो बस स्टॉप नंबर 2 ये यहाँ रुकेगी। और देख सकते हो काफी साफ सुथरा बस स्टैंड है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही होती है लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको एक लाइक करके जाइए, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियो देखने के लिए अगर आप ट्रेवल वगैरह करते हो, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए दोस्तों। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।